क्या प्रॉब्लम होती है आपको? थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। दर्द होता है, तो ये गाने को मिस्टेक कितने दिन से है? इसको वह चार पाँच साल से। तो क्या प्रॉब्लम होती है आपको? कुछ नहीं, दर्द होता है और कुछ। दर्द होता है और कुछ नहीं, दर्द के कारण ही करा रहे हो कि कपड़े पहनने या किसी और चीज के कारण? यही शर्म लगती है कपड़ा। अच्छा, मेन तो दर्द होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं दर्द होता है उस कारण से कराना चाहते हैं, तो आप भी दर्द के कारण ही कराना चाहते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम लाइपोसक्शन करेंगे और ग्लैंड भी निकालेंगे। आपको ग्रेड वन गायनेकोमेसिया है, तो ये जो है ना ये फैट है इसके अराउंड और ये ग्लैंड है, तो इसमें हम लाइपोसक्शन करेंगे और उसके बाद फिर ग्लैंड निकाल देंगे। तो उसके बाद आपको कंप्रेशन गारमेंट पहन के रखना है और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे ये मसल्स जो है और प्रोमिनेंट होती जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपकी मार्किंग करता हूँ। इसमें हम यूविड लाइन है और यहाँ यहाँ हम आपका ये लाइपोसक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक। और ये जो पेक्टोरल मेजर मसल की वो है आउटलाइन है, ठीक है, इस तरह हम पूरा मार्क करेंगे। ठीक है, सीधा हो फिर इस तरफ। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा, मैंने पेशेंट का टेस्टिमोनियल लिया, उसके बाद मैंने पेशेंट की मार्किंग की, जो कि सर्जरी से पहले हर पेशेंट में हम मार्किंग करते हैं, जो कि पेक्टोरिस मेजर मसल है उसकी आउटलाइन बनाते हैं। मार्किंग करने के बाद हम ये जब सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो हम 2% एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद हम लाइपोसक्शन स्टार्ट करते हैं दोनों साइड ब्रेस्ट पे। अभी मैं ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया इनफिल्ट्रेट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर लाइपोसक्शन स्टार्ट करूँगा। इसमें मैं पूरी सर्जरी आपको गायनेकोमेस्टिया का दिखाना चाहता हूँ कि मैं गायनेकोमेस्टिया जो सर्जरी होती है कैसे करता हूँ, और मार्किंग से लेके लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल, उसके बाद पोस्ट ऑप जो सर्जरी के बाद का फ़ोटो होता है उसके बाद हम क्या करते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर है। तो चलिए, लाइपोसक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं एक तरफ करूँगा फिर दोनों तरफ करके फिर ग्लैंड निकालेंगे। अब मैंने ग्लैंड रिमूवल स्टार्ट कर दिया है। इन पेशेंट में ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया था, तो इसमें हम थोड़ा सा पेक्टोरिस मेजर मसल के आउटलाइन के लिए हमने लाइपोसक्शन भी किया है और उसके बाद इनका ग्लैंड भी निकाला है। ग्लैंड काफ़ी अच्छी है और इनमें ब्लीडिंग भी मिनिमम थी। और पहले हम राइट साइड का ग्लैंड निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड का निकालेंगे।
20 से 25 साल पहले MDMS आया था, तो फिर डिमांड के साथ सिचुएशन के हिसाब से। यह दोनों तरफ की ग्लैंड है, अभी मैं लेफ़्ट साइड का ग्लैंड रिमूवल कर रहा हूँ। दोनों तरफ की ग्लैंड रिमूवल के बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट भी दिखाएंगे। अगर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर गायनेकोमेस्टिया की कोई प्रॉब्लम है तो आप चेस्ट का फोटोग्राफ हमें दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट है, दोनों तरफ का चेस्ट का शेप काफ़ी अच्छा आ गया, पेक्टोरिस मेजर मसल का भी शेप काफ़ी अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।